वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक्टिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे लोगों से, दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या डिस्कशन चलता है, वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होने जा रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपके पीठ पीछे लोगों से, अपने दोस्तों से क्या कहते हैं। गाइस प्लीज सर बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कहते हैं उनके पीठ पीछे लोगों से, दोस्तों से इनके बारे में। गाइड पीछे मुझे बताइए क्या कहते हैं ये पास लाइफ टेंडर बोर्ड एडवेंचर। गाइड पीछे मुझे बताइए क्या कहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन लोगों से, मेरे दोस्तों से इनके बारे में। द क्रिएटर राइट किचन भाषा बताइए, क्लैरिफाई किचन भाषा बताइए, पास लाइफ को क्लैरिफाई कीजिए, फॉरगिवनेस, अंडर बोर्ड, एडवेंचर, क्रिएटर। आई होप आपको सब अच्छे से दिख रहे होंगे कार्ड्स, मुझे नहीं दिख रहे। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो यहाँ ये दिख रही है कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, चाहे सेपरेशन हो, ब्रेकअप हो, कोई किसी तरह का आप लोगों के बीच में नाराजगी हो, उन चीजों का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर भी उतना ही पड़ रहा है जितना कि आपके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि आपको ऐसा लगता होगा कि भाई इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये सिर्फ आपका ही सोचना है। इनके ऊपर डेफिनेटली इन चीजों का फर्क पड़ रहा है। वो बात अलग है कि आपके पर्सन इतना शो नहीं करते हैं, इतना लोगों से बताते नहीं है कि इनके दिल में इस वक्त में ना कितनी ज्यादा चिंगारियां चल रही हैं, कितना ज्यादा उथल पुथल चल रही है, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन लोगों से ये जरूर बताते हैं कि भाई इनके सामने इनका कोई बुरा वक्त, कोई बुरा कर्मा आया है, जिस वजह से आज इनकी लाइफ इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई है, यहाँ पर ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा बताते हैं कि पता नहीं ये कैसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ गई, जिसमें ये आप लोगों के बीच की सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा ये लोगों से बोल रहे हैं। ये लोगों से इन चीजों के प्रति तो बताते हैं कि भाई इनका जो भी बुरा वक्त आया है वो इनके किसी पास लाइफ के कर्मा की वजह से आया है, लेकिन ये लोगों से ऐसा नहीं बता रहे हैं कि ये इस रिश्ते की लीड क्यों नहीं ले पा रहे हैं, या इस रिश्ते को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते में कुछ काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों में ये कुछ भी नहीं बताते हैं। यहाँ इस तरह की एनर्जीज आई है। आपके पर्सन बेसिकली ऐसा जरूर बता रहे हैं लोगों को कि भाई इस वक्त में इनके पास बहुत काम है, अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं, और इनकी लाइफ में काफी सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं, काफी सारे एडवेंचर्स चल रहे हैं जिन्हें इन्हें एक साथ डील करना पड़ रहा है, ये ऐसा जरूर बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये सिचुएशन को खुद से सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन की लीड ले क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये इस रिश्ते में आज भी होप रखे हुए हैं, आज भी इस रिश्ते में कंप्लीट होना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि यही बताते हैं कि भाई हाँ आप लोग एक दिन कंप्लीट होंगे, इन्होंने इस रिश्ते के प्रति होप नहीं खोई है, ऐसा जरूर बताते हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये ऐसा भी बता रहे हैं कि भाई इन्होंने जो भी करा पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में जो भी करा, उसकी गलती
ये मांगने के लिए तैयार है, उसके लिए मांगने के लिए, उस गलती के लिए, चाहे सामने वाले की गलती है तो उसे माफी देने के लिए, और अगर इनकी गलती है तो ये माफी मांगने के लिए भी तैयार है हर तरह से, ताकि इनकी लाइफ में ये जो भी इनका बैड कर्म आया है, जो भी इनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है, वो चीजें चली जाएं। ठीक है, ये ऐसा भी बताते हैं, यानी कि ओवरऑल ये बता रहे हैं कि जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, उन चीजों की ये माफी देने में भी अब इंटरेस्ट रखते हैं, माफी लेने में भी इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोगों के बीच में शायद किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, और स्पेशली आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको इनके ऊपर किसी चीज के प्रति विश्वास नहीं है, आप इनके प्रति किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हो, किसी चीज का आप लोगों के बीच में ऐसा कंफ्यूजन आया है जिस वजह से आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस आई है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये यही बता रहे हैं कि भाई आप लोगों के बीच में जो भी ट्रस्ट इश्यूज है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी को लेकर हो, या हो सकता है थर्ड पार्टी ने कोई इश्यूज क्रिएट करे हो, या आप लोगों के बीच का ही कोई ट्रस्ट इश्यूज हो, आपके पर्सन का कोई सीक्रेट आपके सामने आ गया हो, तो ये लोगों से ऐसा ही बताते हैं कि उस सीक्रेट के मामले में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा भी बता रहे हैं कि अब ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना, उसके प्रति अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अब कोई भी स्ट्रगल करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, इनके जितनी भी हिम्मत थी ना वो अब टूट गई है, वो अब जवाब दे गई है, और अब अपनी इसी हिम्मत के मामले में ये इनसिक्योर हो गए हैं, ये ऐसा भी बता रहे हैं। ठीक है, थीके? आपके प्रति भी इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है कि अब ये अगर हिम्मत नहीं जुटा पाए तो आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, और वैसे अपनी हिम्मत के मामले में भी जवाब दे दिया है इन्होंने, ऐसा बोल रहे हैं ये। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया हो जिसके प्रति ये इनसिक्योर हो रहे हैं, या आपने इन्हें किसी और के साथ देख लिया था और आप इनके प्रति इनसिक्योर हो रहे हो, या फिर यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के प्रति इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन यही बता रहे हैं लोगों से कि भाई ये आपके प्रति बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप चले गए इनकी लाइफ से, और अब ये भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज आई है। आपके पर्सन उसके अलग ऐसा भी बता रहे हैं यहाँ पे कि ये सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, इस सिचुएशन के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब ये इतने ज्यादा होपलेस, इतने ज्यादा हेल्पलेस हो गए हैं कि ये चीजों को सिर्फ सोचते ही रह पा रहे हैं, उसके लिए एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा भी बता रहे हैं। यानी कि ओवरऑल ऐसा ही बता रहे हैं अपने फ्रेंड से, आपके पीठ पीछे, कि ये करना तो चाहते हैं, चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अब ये ही अब इस सिचुएशन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर हेल्पलेस हो गए हैं, और अब मेरी ही होप इस रिश्ते के प्रति खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी बता रहे हैं कि जो भी आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंसेस को अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, उस तरह से भी बता रहे हैं। आपके पार्टनर ना कहीं अपने आप को ये भी बता रहे हैं दोस्तों से कि इन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि आप लोग ना इनकम्प्लीट ही रह गए हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप लोगों का रिश्ता इनकम्प्लीट ही रहना था, आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में यही लिखा था, इन चीजों को मैंने दिल से स्वीकार कर लिया है। हालांकि ये बता जरूर रहे हैं कि हाँ इन्होंने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया कि ये इनकम्प्लीट ही होना था, इसकी बैड एंडिंग ही होनी थी, लेकिन होप इनके दिल में है कि आप लोग कंप्लीट भी होंगे, इन चीजों पर इन्हें विश्वास भी है, यहाँ पर ये है। लेकिन बता ये जरूर यही रहे कि आप लोगों का साथ यहीं तक था, आपकी किस्मत में आपका साथ यहीं तक था, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं और आपके पर्सन कैसा बोल रहे हैं आपके पीठ पीछे लोगों से। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए पास्ट लाइफ और फॉरगिवनेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए कैसा बोल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में लोगों से। गाइड कीजिए 1 2 3 4।
जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कल्याण मकर राशि एंड वर्गो की एनर्जीज आई है। मुझे आप लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, काफी लोग अपने पहले प्यार के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन थोड़े इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे भी इमेच्योरिटी ही दिखाई दी आपके पर्सन की। आपके पर्सन बेसिकली लोगों से ऐसा बोल रहे हैं कि ये इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए हैं उनके प्रति आप इन्हें माफ कर दो, ऐसा भी चाहते हैं ये, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने शायद पास्ट में ना आप की बजाय और ऑप्शंस को ज्यादा देखा और ऑप्शंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी, उस वजह से ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ऐसा ये दोस्तों से अपने आसपास के लोगों से बता रहे हैं। ये आपको स्पाई करते हैं ऐसा भी बता रहे हैं कि इनकी निगाहें आपके ऊपर है, आपके बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन इन्हें आपके बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उसका कारण ये है कि आपने शायद इनसे अब बहुत ज्यादा दूरियां बना ली हैं, ठीक है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, ये आप पे नजरें रखे हुए हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब शायद आपने ही अपने आप को हर्मिट मोड पे डाल दिया है इनके इस रवैये की वजह से। यहाँ पर ये चीज है, इसीलिए आपके पार्टनर लोगों से यही बोल रहे हैं कि इनका कोई शायद पास्ट लाइफ का कर्मा आया है, स्पेशली ये कर्मा कि ये इधर उधर ऑप्शंस पे ज्यादा ललचाते थे बजाय आपके, आपके साथ होने के भी। तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई और आ गया हो आपके होने के बावजूद, तभी इनके लाइफ में काफी ज्यादा उथल पुथल हो गई थी और ये ही कंफ्यूज हो गए थे कि किस ऑप्शंस को देखना चाहिए, आपको एज ऑप्शन रखकर उस ऑप्शंस की तरफ ये बढ़ गए थे, यहाँ पर ये भी चांसेस हैं। तो ये ऐसा ही बता रहे हैं कि ये उस गलती की आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपको स्पाई भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। थंडर बोर्ड और कंफ्यूजन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स और बताइए यहाँ पे थंडर बोर्ड और कंफ्यूजन का कार्ड क्यों आया है। एक ऑलरेडी गिर गया है, टू यहाँ पे आया है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, एक्वेरियस एनर्जी और जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि सितंबर मंथ। हो सकता है आपका रिश्ता 9 सालों का हो और 9 महीने से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, यहाँ पर ये भी चांसेस है सितंबर मंथ आपसे जुड़ गया हो, यानी कि सितंबर मंथ में ही आप लोगों की लाइफ में ये कंफ्यूजन आया था, ये उथल पुथल आई थी, किसी चीज को लेकर क्लियरिटी जो आनी चाहिए थी वो नहीं थी, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन बेसिकली यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी कंफ्यूजन हुआ है, ये जो भी उथल पुथल हुई है, ये उसे क्लियर करना चाहते हैं, उसमें क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं, ताकि आप लोगों की स्टेबिलिटी पूरी हो जाए, ताकि इन्हें इस प्यार पे सफलता मिल जाए, ताकि इनकी जो भी विशेष हैं इस रिलेशनशिप को लेकर वो फुलफिल हो जाए, ये ऐसा बता रहे हैं। उसके साथ ही ये भी बता रहे हैं, लेकिन ये अब काफी ज्यादा थक गए हैं, ठीक है। जो भी अभी तक पास्ट से लेकर अभी तक आप लोगों के बीच में हुआ, जो भी इन्होंने उस सिचुएशन से एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस को ले लेकर अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ कि अब पूरी तरह से थक गए हैं, अब इनमें इतने हिम्मत नहीं है, इनकी इनर स्ट्रेंथ इतनी वीक हो गई है कि ये आपकी तरफ चाह कर भी क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं, तभी भी ये अब नहीं लेकर आ पा रहे हैं, ये ऐसा लोगों से बता रहे हैं। यानी कि आप लोगों के बीच में जो भी कंफ्यूजन हुआ है उसमें ये क्लियरिटी लेकर आने में अब असमर्थ है, इनके पास कोई तरीका नहीं है। इन सिक्योरिटी और एडवेंचर के कार्ड को क्लियर कीजिए, बस बताइए यहाँ पे ये कार्ड क्यों आया है, गाइड कीजिए, बस बताइए। 1, 2, 3, 4। देखिए गाइस, मुझे बेसिकली यहाँ पर ये लग रहा है आप लोगों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, काफी ज्यादा, काफी गहरे ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। शायद आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप उससे ज्यादा डील कर रहे हो, या
कोई पेरेंट्स इश्यूज आप लोगों के बीच में आ गए थे कि आप उनकी बात ज्यादा मान रहे हो बजाय इनकी, इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे आप लोगों के बीच में, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका आपकी बजाय, तो इस वजह से ना ये चीजें आप लोगों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज थे वो बेसिकली इनसिक्योरिटी थी आप लोगों की एक दूसरे के प्रति, इसी वजह से आप लोगों के बीच में ये इश्यूज हुए हैं। और ये आपके जो पार्टनर है ना ये यही बताते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है ना उसका कारण था एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना, एक दूसरे के प्रति इनसिक्योर हो जाना, ये ऐसा ही बताते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, हिम्मत जुटाना चाहते हैं, लेकिन इसका क्या करें, जो दिल में ये इनसिक्योरिटी है उसको कैसे निकालें, चाहे फिर वो इनके ही खुद के ही दिल में क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपके दिल में क्यों ना हो, इनके प्रति पेरेंट्स इश्यूज, कोई और रिलेशनशिप, कोई ट्रस्ट इश्यूज, उसको लेकर। तो ये यही बता रहे हैं कि ये बड़े तो तभी जब ये चीजें दिमाग से, दिल से, जहन से निकल जाएं, ऐसा बता रहे हैं ये। ठीक है, क्रिएटर और डिस्पोडेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए निवास, और बताइए क्रिएटर और डिस्पोडेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 1, 2, 3, 4। मुझे गाइस देखो आप लोगों के बीच में ना सबसे ज्यादा कारण यही दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए हो इस रिश्ते में। ठीक है, और चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना कर पाए हो आपके बीच के जो भी रिश्ता था उसमें, और इन्होंने इन्हें ये लगा कि आप इनके साथ सीरियस नहीं हो इस रिश्ते में, आप रहना नहीं चाह रहे हो, किसी और से डील कर रहे हो, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आप ज्यादा हो, इनके मन में ये बातें ज्यादा थी आपके प्रति, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप इनके साथ चीट कर रहे हो, आप इनके साथ कोई गलत कर रहे हो, इन्हें बैक स्टेप कर रहे हो, इनके दिल में ऐसे ख्याल थे। यहाँ पर ये भी हो सकता है आपके दिल में ये सब ख्याल थे और इसी वजह से आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा इश्यूज हुए आए हैं, और आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा तू तू मैं भी हुई है। चाहे फिर आप इनसे कोई कमिटमेंट ही क्यों नहीं मांग रहे थे, तभी भी आपके मन में इनके प्रति डाउट्स आ रहे थे कि ये आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, थीके? इस तरह के इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, ऐसा नहीं है, और आपके पर्सन भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका एटीट्यूड थोड़ा रूडली है, थोड़ा गलत तरीका है इनका समझाने का, इसी वजह से चीजें आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लोगों से ऐसा ही बताते हैं कि ये इस सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, और आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि इनका समझाने का तरीका ही ठीक नहीं है, इनका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, या फिर आपसे दूरियां जो बना ली है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, वो तरीका इनका ठीक नहीं है, इसीलिए सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है आप लोगों के बीच में, ये चीजें दिख रही है। ठीक है, आपके पर्सन भी चाहते हैं रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आपकी तरफ बढ़ जाए, लेकिन इनका तरीका इस रिश्ते को सही करने का सही नजर नहीं आया है मुझे, और उसका कारण भी ये है कि ये डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन यही बता रहे हैं लोगों को कि इस वक्त इतने ज्यादा डिप्रेशन में है, इतने ज्यादा परेशान है कि ये चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इतने ज्यादा अपनी जिंदगी में उलझ गए हैं रिश्ते को लेकर कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे करूं इन चीजों को सॉल्व, और इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, बात होती है तो भिन भिन्नी आते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। प्यार होने के बावजूद तलवारें आप लोगों के रिश्ते में आई हुई हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल अपने दोस्तों से तो ये चीजें नहीं बोलते, अपने दोस्तों से तो ये यही बोलते हैं कि ये इस वक्त में काफी ज्यादा डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। ठीक है, कि ये इस डिप्रेशन की वजह से ही सिचुएशन को ठीक कर पाने का एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कंप्लीटेशन और एक्सेप्टेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए कंप्लीटेशन और एक्सपेक्टेशन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 1, 2, 3, 4।
देखिए इनका प्रैक्टिकल होने की वजह से चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही है आप लोगों के बीच में। मुझे यहाँ पर 3 नंबर इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्च मंथ हो सकता है। काफी लोगों का रिश्ता 3 सालों का हो, 3 महीने से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, और काफी लोग हो सकता है 3 साल से ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो। ये बेसिकली ना लोगों से डेफिनेटली आपके बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये यही दिखाते हैं लोगों को कि ये बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर। और अब ये लॉजिकली दिमाग से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये रिश्ता यही तक था, इस रिश्ते का साथ यही तक था, आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से ये थर्ड पार्टी आई है, आपका इस थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है इनका हो झुकाव, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका ज्यादा झुकाव है इस थर्ड पार्टी की तरफ। इसीलिए ये ऐसा ही बोल रहे हैं कि भाई जब इनका झुकाव इस थर्ड पार्टी की तरफ ही है, तो ये यहीं तक इस रिश्ते को मानकर इसे यहीं तक कंप्लीट हुआ हुआ समझ रहे हैं, और अब ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कप होने की बजाय तलवार लेकर इसीलिए बैठे हैं क्योंकि ये अब बस इस रिश्ते पे और ज्यादा एफर्ट करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, डीप इनसाइड इनके दिल में इच्छा है आपके साथ एक नई दुनिया बसाने का, आपके साथ ट्रेवल करके बाहर जाने का, कहीं और मूव करने का, इनका यही इच्छा है शांति में जाने का। ये जो दिमाग में ये उथल पुथल चल रही है उनसे कहीं दूर जाने का यहाँ पर ये है। लेकिन बता ये यही रहे हैं कि भाई ये तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं और अब चीजें नहीं सॉल्व हो पाएंगी, ये रिश्ता यही तक था, ये चीजें इन्होंने भी स्वीकार कर ली है। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों की भी ये सिचुएशन आई है उस मामले में यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या कहना चाहते हो इस सिचुएशन के मामले में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एक्चुअली आप लोगों के बीच में ना अपने इमोशंस बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें तो है स्पेशली आपके पर्सन की साइड से। अब फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपसे ये बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसका जो भी क्लाइमेक्स होगा वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा जैसे किसी फरिश्ते ने, किसी एंजल्स ने आपके लिए वो क्लाइमेक्स लिखा है इस रिलेशनशिप का, इस लव लाइफ का। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पर्सन जो सोचते हैं ना, जो शो नहीं कर रहे हैं, जो दिल से सोच रहे हैं, वो बहुत जल्द हाई होने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी आप आंसर चाहते हो इस सिचुएशन के मामले में वो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। और जो आंसर होगा आपका वो एक फेयरी क्लाइमेक्स होगा, ऐसा बोला जा रहा है। कम्युनिकेशन इसकी आपके पार्टनर का आपकी तरफ कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में क्लियरिटी आएगी, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, जिसका क्लाइमेक्स अच्छा है यहाँ पर, ये चीजें हैं। ठीक है, तो गाइस बेसिकली आपके पर्सन ओवरऑल तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि ये यही शो कर रहे हैं लोगों को कि ये बहुत डिप्रेशन में हैं, और इसीलिए आपकी तरफ चाहकर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, प्यार रखते हैं, और ये अब इतने ज्यादा हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए ये भी इस चीज को अपने आप से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता आप लोगों का यही तक था, आप लोगों की डेस्टिनी यही तक थी। लेकिन आप लोगों की डेस्टिनी तो कहीं और आपको लेकर जाते हुए दिखाई दी है यहाँ पर, आप लोगों का तो अल्टीमेटली साथ दिखाई दे रहा है, आपके बीच में बातें होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये जो बता रहे हैं, जो सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर ये चीजें बोली जा रही है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट हो पाते हैं, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।